हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुमकुम भाग्य सीरियल से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस श्रीथि झा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी उन्हीं की लाइफस्टाइल के बारे में। साल 2023 में उनकी रियल एज क्या है, उनकी शादी हो गई है या फिर वो कोई रिलेशनशिप में है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी सैलरी कितनी है, अभी तक उनकी बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है श्रीथि झा। उनका निकनेम है झल्ली और टीटू। 26 फरवरी 1986 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है बेगूसराय, बिहार। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 53 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है 24-25-36। उनकी जोडाइक साइन है पिसेस। साल 2023 में उनका रियल एज है 37। उनकी हॉबीज है, उन्हें बुक पढ़ना, ट्रैवलिंग करना और उन्हें डांस करना बेहद पसंद है। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने काठमांडू की मॉडर्न इंडियन स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन ली है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। उन्होंने न्यू दिल्ली की श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने इंग्लिश में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक्ट्रेस है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। साल 2007 में श्रीथि ने धूम मचाओ धूम सीरियल के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था, जहां पर उन्होंने मालिनी शर्मा का किरदार निभाया था। साल 2008 में वो नजर आई थी जिया चले सीरियल में, जहां पर उन्होंने सुनैना कोटक का किरदार निभाया था। साल 2009 में उन्होंने स्टार प्लस की सीरियल शौर्य और सुहानी में सुहानी का किरदार निभाया था। इसके बाद ही वो एनडीटीवी इमेजिन की सीरियल ज्योति में नजर आई, जहां पर उन्होंने सुधा का किरदार निभाया और इसी किरदार से उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात दुगनी हो गई। साल 2010 में वो नजर आई थी रक्त संबंध में। साल 2011 में वो दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में जानवी के किरदार में नजर आई थी। साल 2013 में उन्होंने बालिका वधू सीरियल में गंगा का किरदार निभाया था। साल 2014 में उन्होंने कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा का किरदार निभाना शुरू किया था। ये किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उन्हें प्रज्ञा के नाम से ही जानते हैं। साल 2022 में रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में कंटेस्टेंट के तौर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक उसी साल ही वो झलक दिखला जा सीजन 10 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर पार्टिसिपेट किया था, जहां पर वो 5th प्लेस पर आई थी। सीरियल्स के अलावा श्रीथि साल 2020 में शॉर्ट फिल्म यू टर्न में नजर आई थी, जहां पर उन्होंने दीपा का किरदार निभाया था। और अब साल 2023 में वो बहुत ही जल्द रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली है। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2015 में बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट शोरी की कैटेगरी में उन्हें 2 इंडियन टेली अवार्ड्स मिले थे। साल 2016 और 2018 में फेस ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है मिथिलेश झा। उनकी माँ का नाम है अमोली झा। उनके एक भाई है जिनका नाम है शशांक झा।
उनकी एक बहन है जिनका नाम है मीनाक्षी झा। उनकी पर्सनल अफेयर्स की बात की जाए तो श्रीति ने टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा को कई सालों तक डेट किया था, इसके बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। फिलहाल वो टीवी एक्टर कुणाल करण कपूर को डेट कर रही है। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पर एपिसोड के लिए वो 2 लाख रुपए लेती है। उनका नेट वर्थ है 40 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास हुंडई एलीट i20 मॉडल की कार है जिसका कीमत है 7 लाख। इसके अलावा उनके पास है ऑडी A5 जिसका कीमत है 56 लाख। मर्सिडीज बेंज GLC मॉडल की कार है जिसका कीमत है 54 लाख। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ श्रीति झा की कुछ अनजानी बातें। श्रीति झा बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखती है, यहाँ तक कि वो अपनी पोएट्री को कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर चुकी है और उनकी क्रिएटिविटी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले श्रीति झा थिएटर के साथ इन्वॉल्व थे। थिएटर में स्टेज शोज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। आपको बता दें कि श्रीति झा कई सारे लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकती है। हिंदी भाषा के अलावा वो बंगाली, इंग्लिश, मराठी और फ्रेंच में भी काफी अच्छी तरीके से बात कर सकती है। श्रीति झा की सबसे अच्छी खास बात है उनकी नेचर। सेलिब्रिटी होने के बावजूद वो बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीती है और सोशल इवेंट्स और पार्टीज में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती है। श्रीति मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए हर रोज योगा करती है। श्रीति झा कई सारे चैरिटेबल इवेंट्स के साथ भी जुड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें ये सारे काम करते हुए देख शायद लोगों को एक अच्छी इंस्पिरेशन मिले। टीवी इंडस्ट्री में श्रीति झा की सबसे अच्छी दोस्त थी मौनी रॉय। दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी करते हैं। श्रीति झा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना ही पसंद करती है। यहाँ तक कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई कमेंट्स मीडिया के सामने करना भी पसंद नहीं करती है। एक्ट्रेस बनने से पहले श्रीति झा IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। एक्ट्रेस एक एनिमल लवर है। उनके पास एक पेट डॉग है जिनका नाम है मिया। श्रीति को नई जगह पर जाना और वहाँ की संस्कृतियों के बारे में जानना बेहद ही पसंद है। श्रीति अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए रोज योगा और मेडिटेशन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।